Respected staff members and guests from the Fire and Emergency Department, Kriri, and dear students, I wish you all good health and well-being. आपको ये पता है शायद कि हम रिवायती तौर पे हर साल यहाँ एक मॉक ड्रिल करते हैं जो फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिबान जो है वो यहाँ पे आके आपको इसके रिगार्डिंग के एमरजेंसी के टाइम में या कहीं पे आग लगती है तो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स दैट यू कैन टेक, ठीक है, नुकसान बचाने के लिए या किसी की जान बचाने के लिए कौन सी चीजें आपके लिए अहम है, उनकी ड्रिल यहाँ पे कराते हैं, मॉक ड्रिल, तो इससे आपको जानकारी ऐसी सिचुएशंस को डील करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराने के अहकाम सादिर फरमाए हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत एक आयत की साथ में एक हदीस पाक भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिंदगी में इंसान को सीखना है, कोई तो माँ के गोद से सीख के नहीं आया, इसीलिए इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। आपको जो कोई इमरजेंसी होती है, फ्लड होता है, अर्थक्वेक होते हैं, फायर होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है खड़ा, कोई अंदर तो कोई फंसता है आग में या किसी जगह कोई एक्सीडेंट होता है तो चांसेस कम मिलने होंगे। आपने करना क्या है, एक एडवांस एस्केप प्लान आपने रूल आउट करना है, ठीक। उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस डबल स्टोरीड है या थ्री स्टोरीड है, आपने रोप लेडर्स आप अपने मकान के एटिक में इंस्टॉल करने हैं। थैंक यू सर, आपके चैनल के इस्तेहात से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हम गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में जाकर फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और साथ साथ मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं। तो मॉक ड्रिल्स करने के पीछे हमारा मुद्दा और मकसद यही होता है कि लोगों को अवेयर करें, उनको जानकारी दें कि कैसे वो अपने साथ साथ दूसरों की जान बचा सकते हैं, चाहे वो आग की वारदात हो, चाहे वो जलजला हो या कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो। तो इस दौरान इसी सिलसिले में हम आज फायर स्टेशन क्रीरी में वारिद हुए और यहाँ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया और इनको भी जानकारी दी कि कैसे वो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान दौरान आग बचा सकते हैं, दौरान किसी कुदरती आफत से बचा सकते हैं।